तो ये आप इसके अंदर देखें, जैसे फॉर एग्जांपल हमें एक इंसर्ट जो है वो मतलब ये कि इंसर्ट करनी थी, तो इसमें हम क्या करते थे, इसमें हम एक अवेल यानी ये स्पेस हमें ब्लैंक है, यानी ये वो है जो ऑलरेडी आपके पास जो अवेलेबल है, तो आप क्या करते हैं इसका पॉइंट जो है इस न्यू के अंदर कर देते हैं, और जो आपके पास न्यू का पॉइंट है वो किस में कर देते हैं, बी में कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये न्यू बन जाती है, और इसके अंदर जो हम डेटा सेव कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास इसके अंदर एग्जाम्पल, यानी इसके अंदर चेंज हो रही है वो एक पॉइंटर की हो रही है, जबकि नॉर्मली अगर अगर आप ये जो है देखें तो इसके अंदर जो है आपको इंसर्शन या डिलीशन करना पड़ेगी, तो इसमें आपको जो है वो दो पॉइंटर यानी कि ये पॉइंटर भी अपडेट करना है, और अगर आप प्रीवियस कर रहे हैं ना तो वो भी अपडेट करना है, कि लेट सपोज ये इसके अंदर चित्री की एग्जाम्पल दी है, लेकिन अगर आप इस तरीके से अवेल से आते तो ये आपको जो उसके अंदर सिर्फ ना ये आपको जो इसका जो फॉरवर्ड है उसके न्यू के अंदर लगाना पड़ता है, बल्कि जो आप नए अपडेट करते हो उसके अंदर उसका प्रीवियस भी आपको जो इसके साथ ना लिंक करना पड़ता, इसकी वजह से जो है ये स्पेस आपके पास जो है वो ज्यादा यूज होता है। इसकी एग्जाम्पल हम दे सकते हैं डॉक्यूमेंट की, जैसे वर्ड का टेक्स्ट एडिटर होता है, तो उसमें आपको पता है पेज वाइज अगर हम मूव कर रहे होते हैं तो यूजर जो है वो पेज अप और पेज डाउन दोनों जो है वो प्रेस कर सकता है, जब वो पेज और अप और पेज डाउन जो है वो प्रेस करता है, तो उसके बेसिस के ऊपर ये वाली जो लॉजिक है, मतलब फॉर एग्जांपल ये करंट लाइन है, अब उसने पेज डाउन किया तो वो नीचे की तरफ जा रहा है, और पेज अप करा तो वो प्रीवियसली आना शुरू हो गया, ये एक एग्जांपल जो है, यानी वर्ड प्रोसेसर, आप अगर वर्ड प्रोसेसर बना रहे हैं तो उसके अंदर आप ये चीज़ डबल ही लेंगे, इसके थ्रू जो है ये चीज इजीली मैनेज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज करें मैं अगर आपसे ये कहा जाए कि ये डॉक्यूमेंट या वर्ड प्रोसेसर आप जो है वो लिंक लिस्ट के थ्रू बना रहे हैं, तो लिंक लिस्ट के अंदर आप स्टार्ट से तो जा सकते हैं, लेकिन अगर यूजर जो है वो पेज अप प्रेस करेगा तो फिर आप क्या करेंगे, सही है, वहाँ पे जो है एक्चुअली वहाँ पे आपका जो तमाम लॉजिक इतनी फेल हो जाएगा क्योंकि आपने लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंट की है, और वहाँ पे जो है फिर आप ये कर सकते हैं कि बहुत स्पीड के साथ जो है ना एंड ऑफ, मतलब कोई ऐसा लॉजिक लगाएंगे कि डायरेक्टली आप जो है वो जंप कर सकें, तो फिर वो लिंक लिस्ट नहीं रहेगा, सही है, वो लिंक लिस्ट नहीं रहेगा, फिर वो कोई और ही आपका अपना लॉजिक पर्टिकुलर हो जाएगा, तो इसलिए जो अगर आप स्टैंडर्ड यूज करते हैं तो स्टैंडर्ड के अंदर ये आइडियली फिट करता है पेज अप और पेज डाउन को ना, सही है। अरे और लिंक लिस्ट के मैंने बहुत ज्यादा ना डिफरेंस बता दिया था, बस उसके अंदर ये होता है कि आपके पास मूवमेंट जो है वो बहुत ज्यादा होती है एरे के अंदर, जो हम लोगों ने शुरू में देखा था, अगर फिजिकली मूवमेंट देखें यानी डेटा की एक लोकेशन से दूसरी अगर हमें इंसर्ट करना है किसी खास लोकेशन के ऊपर, यानी पूरे डेटा का उसको मूव करें और उसके बाद जो आप उस लोकेशन के ऊपर इंसर्ट करें, इसकी एग्जांपल हमने कहा देखी थी इंसर्शन सॉर्ट में भी देखी थी, जब हम जो है वो इंसर्ट करते थे उसकी लोकेशन के ऊपर, तो आपने देखा था कि कितनी चीजें जो है हमें मूव करना पड़ रही थी, और उसके बाद जो फिर जब उसकी लोकेशन पर्टिकुलर होती थी, फॉर एग्जाम्पल नंबर आपको जो है वो 5 मिला है और आपके पास ऑलरेडी सॉर्ट 3 और 7 है, तो अगर आप वहां से स्टार्ट कर रहे हैं उसको 15 से, तो वापस आप चलते वाले, तो जब तक आपको 3 और 7 के बिटवीन 5 के लिए स्पेस नहीं मिलेगा, तो जब तक जो है आप मूव करते रहेंगे डेटा, तो इस तरीके से। और इसमें देखें इसमें क्या हो रहा है, लिंक लिस्ट में सिंपल आपने अभी मैंने एग्जाम्पल भी दी, एक पॉइंटर जो है वो चेंज करना है, सही, इसके अंदर लिंक लिस्ट के अंदर इंसर्शन और डिलीशन बहुत ही ज्यादा आसान है, सिंपल कुछ पॉइंटर को आपने इंटरचेंज करना होता है और उसके साथ ही जो है ये चीज पॉसिबल हो जाती है, जबकि एरे के अंदर यह है बड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। तो अब अगर टाइम कंज्यूमिंग की हमने जो है वो बात की थी, पहले हमने बात की थी वो ये की थी कि हमें जो है वो एन क्या जाहिर करता है, एन इस चीज को जाहिर करता है कि कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है, ठीक है, और 1 किसको जाहिर करता है, 1 इस चीज को जाहिर करता है कि कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो कम है, तो अगर हम जो है वो लेट सपोज किसी चीज की कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो 1 राइट करते हैं, तो इसका मतलब उसका जो टाइम है सर्चिंग का या किसी भी चीज का टाइम है इंसर्टिंग का डिलीटिंग का वो कम है, और अगर हम बात करते हैं वो एन है इसका मतलब वो बहुत ज्यादा है। अब जरा देखते हैं लिंक लिस्ट के अंदर क्या है, क्योंकि आपको पता है लिंक लिस्ट के अंदर हम पॉइंटर इज इक्वल टू लिंक पॉइंटर जो मैंने आपको ट्राइवर्सिंग के अंदर एल्गो पढ़ाया था, और उसके बाद हमने इंसर्टिंग के अंदर भी देखा था, तो उसमें सिंपल आपके पास एक लाइन के बेसिस के ऊपर जो है वो चेंज होता है पॉइंटर ना, यानी कि इंसर्ट होते हैं एक लाइन, और एक लाइन ही जो है वो क्या करती है, वो जो है डिलीट करती है, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई, इसकी जगह 1 हो गई, क्योंकि एक लाइन के लिए अगर आप हमने एग्जाम्पल जो पढ़ी थी जिसके नाम
टाइम इज इक्वल टू जीरो कह रहे थे एक एल्गोरिथम के अंदर जिसके अंदर हमने कॉम्प्लेक्सिटी या रनिंग टाइम निकाला था, तो उसके अंदर जब एक स्टेटमेंट थी तो उसकी हमने कितनी कॉम्प्लेक्सिटी ली थी, वन ली थी। ठीक है, तो इस तरीके से इंसर्शन और डिलीशन, क्योंकि एक लाइन का कोड होता ही है जिसके अंदर जो पॉइंटर जो है वो चेंज हो जाता है लिंक लिस्ट के अंदर, तो इसलिए इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हम वन करना। लेकिन आप याद करें कि जब हम इंसर्शन सॉर्ट के अंदर कर रहे थे तो उसके अंदर जो था वो पूरा डेटा जो है वो आपको मूव करना पड़ता था एक लोकेशन से या दूसरा। तो अब मे बी पॉसिबल कि वो हमारे पास जो है वो एवरेज केस भी हो सकता था और वर्स्ट केस भी हो सकता था, क्योंकि एक वो बहुत ज्यादा बल्कि पूरा इसमें लूप चलता है। बल्कि आप ये देखें इसके अंदर जो है जब हमें इंसर्शन सॉर्ट वगैरह इस तरीके की इंसर्शन कर रहे होते हैं तो उसके अंदर आप देखें नेस्टेड लूप भी चल रहे होते हैं, तो ऑटोमेटिकली इसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है हम एक जनरल जो देखते हैं एक सिंगल लूप के इक्वल यानी एन दे रहे हैं ना, तो ये इंसर्शन में भी हो रहा है किसमें, एरे में हो रहा है, और ये किसमें हो रहा है, ये आपके पास जो डिलीशन के अंदर भी यही हो रहा है। ठीक है, और अगर आप देखें इंडेक्सिंग का क्या मतलब है, जो हम ये लिखते हैं ए एक मतलब उसके अंदर पैरेंथेसिस में लिखते हैं A3 इज इक्वल टू 7, तो एरे के अंदर जो हम नंबर देते हैं डायरेक्ट जो है हमारे पास स्ट्रक्चर वो ऐसा होता है उस, जैसे मैं डायरेक्ट लिखूँ A7 तो वो 7 लोकेशन तक जो पहुंच जाएगा यानी ये रैंडमली उसको एक्सेस कर लेगा। लेकिन लेट सपोज मैं बोलूँ कि मुझे इंडेक्सिंग करनी है यानी बीच का एक एलिमेंट फाइंड आउट करना है किसमें से, लिंक लिस्ट में से, तो जाहिर ही बात है उसके लिए आपको पूरा लूप चलाना होगा। सही है, तो उसकी कितनी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, एन हो जाएगी। यानी सिंपली ये समझ लें जो भी लॉजिक हम एल्गोरिदम में यूज कर रहे हैं वहां पे लूप्स आ जाते हैं तो वो हमारे पास एन हो जाती है, नेस्टेड लूप आ जाते हैं तो कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा हो जाती है। सही है, एन स्क्वायर भी हो जाती है, और जहाँ आपके पास सिंपल एक एक लाइन का कोड होता है तो उसका मतलब बहुत कम टाइम कंज्यूम कर रहा है, तो वहां पे जो आपके पास वन हो जाती है। ये बात जिसको क्लियर है वो 3 राइट करके बताए। ठीक है, क्लियर ना हम लोगों। अच्छा मैं अब अटेंडेंस कॉल कर रहा हूँ, ठीक है, और अटेंडेंस के लिए पहले मैं चेक कर लेता हूँ। अच्छा ये जो है अभी हम अटेंडेंस जो है वो अभी जो है अटेंडेंस जो है वो कॉल कर रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, तो अभी मैं अटेंडेंस कॉल कर लेता हूँ। अच्छा जी, ये देखिए ये मैं कॉल कर रहा हूँ नाम ना, तो आप लोग इसके ऊपर अटेंडेंस है, 7 तो मेरे ख्याल में मौजूद, बल्कि उसामा भी मौजूद है, उसामा, साद, हारिस। अच्छा स्क्रीन भी शेयर करनी है, सही है सही है। उसामा, हारिस, मास, एहतिशाम, जिन लोगों को मैंने नहीं देखा ना उन लोगों की जो है वो, अगर आप लोग साथ चल सकते हैं तो साथ भी चले, पीपी लिखते रहे, इधर भी मैं देख रहा हूँ, लजा को भी मैंने देखा है, और जो है वो उस सामान तकल तो लगा दी है, सालिक को भी देखा था मैंने अभी, सही है गुड। हम्माद और मोहम्मद रजा और हारिस अहमद, ये तीनों बताए हैं, हम्माद, मोहम्मद रजा और हारिस अहमद, सही है, ये लोग भी हो गए, महादीप भी हैं, फैजान है, फैजान, सही गुड। अच्छा शहीद है तो देखा था, तैयब को भी देखा था, मोहम्मद अहमद, मोहम्मद अहमद हाँ है, चले ठीक है, हसन, कदीर और वासिफ अहमद, इनमें से हसन, कदीर और वासिफ अहमद, और सही वासिफ भी हो गए, ये भी हो गए। अच्छा साकिब को मैंने खुद ही एब्सेंट करा है, इनको एब्सेंट नहीं रहने देते, आज पहली दफा जो है ब्रेक आ रहेगा, क्योंकि ये जो है शाहरुम को भी देखा था, इकरा भी है शायद, और आई थिंक सो अब्दुल वासिफ भी है, मोहम्मद हसन भी है, और अब्दुल हसीब है, अब्दुल हसीब बताएगा, सही है ठीक है जी, ठीक है। अच्छा देखते हैं, अगर ये नाम लेके, ये साकिब है आपके,
साकिब साकिब, मेरे ख्याल में ये अभी भी नहीं है, तो इनको फिर ठीक है गुड। अच्छा इनको जो है अभी इनके मेरे पास शायद मैसेज भी आया, लेकिन इनका जो है ना हाईलाइट ये कर देते हैं आज। ठीक है ओके, फिर आज यहीं क्लास रहने देते हैं। ठीक है अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर और इन चीज़ को मैं थोड़ा रिव्यू करूँगा, इसलिए कि मुझे ये अंदाज़ा हो रहा है कि थोड़ा सा आज इंटरनेट वगैरह की वजह से ना थोड़ा हम डिस्कनेक्ट वगैरह रहे हैं। हाँ माद, मैंने आपकी भी तो लगा दी है यार, ये बाद में आप अपना नाम स्पेशली आप लोग क्यों लिखते हो बताओ, ये मैं यहाँ लगाता हुआ आया हूँ, अब मैं इसको क्या करूँ, इसको इसको क्या करूँ, डिलीट करूँ क्या? थैंक यू हारिस आपके मशवरे का, मैं अगर असाइनमेंट देना होगा तो आज या कल के अंदर अपलोड कर दूंगा। ठीक है ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। हाँ एट्स वेरी गुड।